गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 13, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत मोटर। बहुत सारी मोटर जो हम देखते हैं जो अलग अलग काम में यूज होती है, जैसे फैन के अंदर मोटर होती है, या हम वॉशिंग मशीन की बात करें उसमें भी एक मोटर होती है, या मिक्सर ग्राइंडर की बात करें उसमें भी मोटर होती है। जहाँ भी कोई चीज़ रोटेट होती है, लगभग ये समझ लो उसके अंदर रोटेट करने वाली चीज़ जो होती है वो मोटर ही होती है। इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर कोई चीज़ रोटेट हो रही है तो इलेक्ट्रिक मोटर ही उसके अंदर होती है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करती है, मतलब उसका क्या पढ़ेंगे हम, उसका सिद्धांत पढ़ेंगे, काम कैसे करती है, उसकी बनावट पढ़ेंगे, उसकी कार्यविधि और उसके विभिन्न भाग जो होते हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले सिद्धांत मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम किसी धारावाही चालक को चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल आरोपित होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कोई चालक के ऊपर बल आरोपित होगा। अब वो चालक अगर मूवेबल है, अगर वो चल सकता है तो वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाएगा, और अगर वो मूवेबल नहीं है, चालक मतलब ज़्यादा भारी है या फिक्स है, तो अगर मैग्नेट मूवेबल है तो मैग्नेट अपनी जगह से विस्थापित हो जाएगी। मतलब क्या है, एक चुंबक है, एक चालक है, उन दोनों में से कोई तो मूवेबल जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे तो उनमें से किसी न किसी में तो विस्थापन होगा। मतलब एक चीज चलेगी उनमें से, तो वो एक चीज अगर चल पड़ी तो समझ लो बिजली के कारण चली है। तो बिजली क्या है, मतलब विद्युत धारा क्या है, तो उसमें विद्युत ऊर्जा है, और जब चल पड़ेगी तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, उसमें आ जाएगी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया। तो मोटर क्या होता है, मोटर एक ऐसा ही यंत्र होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। देखो, हम उसको सप्लाई करते हैं विद्युत धारा और वो किसी चीज को रोटेट करना शुरू कर देती है। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन एक मैकेनिकल एनर्जी है, ये समझ लो। रोटेशन अगर कोई चीज चल रही है, जैसे सड़क पे चल रही है या कोई चीज गोल गोल घूम रही है, तो समझ लो उन दोनों में मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी में दो रूप होते हैं, एक स्थितिज ऊर्जा होती है, मतलब एक काइनेटिक एनर्जी होती है, और एक होती है भाई पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जिसको स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये दोनों को हम मैकेनिकल एनर्जी का रूप मानते हैं दोनों को। तो मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया किसने, मोटर ने। मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसने विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदल दिया। ठीक है, उसके बाद आता है इसका सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या है, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है, इसी सिद्धांत के ऊपर यह मोटर कार्य करती है। ठीक है, ये है सिद्धांत। मैंने बता दिया मोटर क्या है, मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है या मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। सिद्धांत क्या होगा, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है। अब पढ़ते हैं क्या, बनावट। देखो, बनावट के लिए जब ये, अब इसके सिद्धांत में लिखा है कि ये काम करेगी किस पे, कि कोई चालक है और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो हमारे पास चालक भी होना चाहिए और चुंबकीय क्षेत्र भी होना चाहिए। तो हमारे पास दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट, ये मैग्नेट इसका, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये दो मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए है, और इनके बीच में हमने रख दी एक कुंडली, मतलब चालक जिसको बोलते हैं, क्योंकि हम दो चीज को चाहिए, धारावाही चालक, उसके ऊपर तो बल लगेगा और लगाएगा कौन, चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए दो चुंबक चाहिए। तो इसमें क्या होती है, दो चुंबक होती है, उनका उत्तरी और दक्षिण ध्रुव, ये अलग अलग चुंबक है। अब ये चुंबक होगी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये परमानेंट मैग्नेट है। कई बार हम परमानेंट की जगह विद्युत चुंबक का प्रयोग भी करते हैं। ये तो होगी चुंबक। उसके बाद इसके अंदर एक कुंडली ए बी सी डी रखी होती है, कुंडली है ये, और ये इंसुलेटेड कॉपर वायर की हो सकती है, मतलब ये इंसुलेटेड है, इसके ऊपर कवरिंग है प्लास्टिक की कवरिंग। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई एक कुंडली ए बी सी डी इस मैग्नेट द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इस प्रकार रख दी है कि इसकी दो आर्म,
चलो इसी कार्यविधि में बताऊंगा वो तुम्हें। ये एक कुंडली है एबीसीडी, ये कुंडलियों के दोनों सिरे जुड़े कहाँ पे हैं? ये जुड़े हैं इनके ऊपर, ये देखो, इनको बोला जाता है विभक्त वलय। विभक्त वलय का मतलब होता है ऐसे गोल, ये वलय है। विभक्त का मतलब है बीच में से कटा हुआ, जैसे मतलब ये दो में ये हो गया, एक वलय विभक्त वलय, ये दूसरा विभक्त वलय। तो इस कुंडली के दो सिरे यहाँ जुड़े हैं, मतलब ये वेल्डेड है यहाँ इसके साथ, इसके साथ विभक्त वलय। एक विभक्त वलय एक्स है, दूसरा विभक्त वलय वाई है। विभक्त वलय, एक विभक्त वलय ब्रश बी वन के साथ सटा हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है। ये मत समझना कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ सिर्फ रगड़ खाने के लिए है। जैसे ये विभक्त वलय है तो इसके साथ इसको ऐसे, मतलब ये इसके साथ सिर्फ रगड़ खा रहा है, संपर्क में है ऐसे, मतलब फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच, संपर्क है बस। अगर ये साथ में ये रोटेट करेगी तो ये साथ में रोटेट नहीं करता, ये बात याद रखना। तो विभक्त वलय एक्स ब्रश बी वन के साथ संपर्क में है, विभक्त वलय वाई ब्रश बी टू के संपर्क में है। बात समझ में आएगी, ये ब्रश है और ये मूवेबल नहीं है, मूवेबल है ये विभक्त वलय, ये भी मूवेबल है, और पूरी की पूरी कुंडली ये मूवेबल है, मतलब ये रोटेट कर सकती है। इसके अंदर एक रोड भी होती है, मतलब एक रोड इसके अंदर ऐसे होती है जिसके ऊपर ये विभक्त वलय होते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है, एक रोड है भाई, ये रोड होती है जो घूमती है, ये वाली रोड इसके अंदर होती है, इसके अंदर विभक्त वलय के अंदर। तो विभक्त वलय रोड, इलेक्ट्रिक रोड के ऊपर सटे हुए होंगे या लिपटे हुए होंगे। तो विभक्त वलय ये हो गया विभक्त वलय एक्स और वाई, ये ब्रश बी वन बी टू। ब्रश बी वन जुड़ा हुआ है इसके साथ बैटरी के प्लस वाले सिरे से, और बी टू जुड़ा हुआ है बैटरी के माइनस वाले सिरे से। अब ये तो होगी इसकी बनावट, बनावट में क्या होगा, इसमें दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, चुंबक के दो पोल हैं, दो ध्रुव हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। इसके बीच में एक कुंडली ए बी सी डी को रखा हुआ है, इस कुंडली के दोनों सिरे जुड़े हुए हैं, एक विभक्त वलय एक्स से, दूसरा जुड़ा है विभक्त वलय वाई से। एक्स विभक्त वलय ब्रश बी वन के संपर्क में है और विभक्त वलय वाई बी टू के संपर्क में है। बी वन ब्रश, ये ब्रश है दोनों ब्रश, ब्रश बी वन जुड़ा है बैटरी के प्लस वाले सिरे से और बी टू जुड़ा है बैटरी के माइनस वाले सिरे से। तो ये तो होगी भाई इसकी बनावट। अब देखते हैं इसकी कार्यविधि कि कार्य कैसे करती है, कार्यविधि को हम देखते हैं। देखो हमें ये तो पता है जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर बल लगता है। अब जब यहां से हम कुंडली को इसकी कुंजी को ऑन करेंगे, मतलब स्विच को ऑन कर देंगे, तो विद्युत धारा, ये प्लस वाला सिरा है तो विद्युत धारा यहां से आएगी ब्रश बी वन में, ब्रश बी वन से जाएगी एक्स, मतलब विभक्त वलय एक्स में जाएगी। अब याद रखना एक्स और जो इसके अंदर रोड लगी है इनके बीच में इंसुलेशन है, मतलब करंट रोड में नहीं जाता, ये बात याद रखना, क्योंकि इनके बीच में रोड के और विभक्त वलय एक्स के बीच में एक इंसुलेशन होती है, इंसुलेटेड कोई परत होती है इनके बीच में। अब करंट बी वन से, ब्रश बी वन से होता हुआ एक्स विभक्त वलय में, और एक्स अटैच्ड है किसके साथ, इस कुंडली के इस सिरे के साथ, ए के साथ। अब विद्युत धारा इसमें से होती हुई इसमें आ जाएगी, ठीक है, इसमें से होती हुई जाएगी बी सी डी से होती हुई और वापस आ जाएगी। अब जब विद्युत धारा कुंडली के ए बी सिरे में आएगी, ए बी पार्ट में, तो हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। जैसे इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी भाई, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा सभी जगह, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। और विद्युत धारा की दिशा क्या है, ए से बी की तरफ, ठीक है। अब क्या होगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार, फ्लेमिंग का वाम हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है कि हम अपने बाएं हाथ की पहली उंगली तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करे, मध्यमा
विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करे तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। देखो अगर हम इसके ऊपर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाए तो इसमें विद्युत धारा ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो मैंने इसको ऐसे करना पड़ेगा। मतलब इस पार्ट के लिए, ए बी पार्ट के लिए ये लेफ्ट हैंड थंब रूल लगेगा। ये विद्युत धारा की दिशा होगी, ये होगी किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बल कहाँ, बल किस, ये अंगूठा बल को दिखाएगा, मतलब इसमें इन द बोर्ड के अंदर जाता हुआ नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस पार्ट पे ए बी पे बल लगेगा कहाँ, नीचे की तरफ। बात समझ में आई। अब करंट यहां से होता हुआ जाएगा सी डी में। अब सी डी भी क्या है, परपेंडिकुलर है किससे, चुंबकीय क्षेत्र से। लेकिन ए बी में जो विद्युत धारा की दिशा थी, सी डी में विद्युत धारा की दिशा उसके विपरीत है, तो इसके बल भी विपरीत दिशा में लगेगा। जैसे ये देखो, ये विद्युत धारा की दिशा नीचे की तरफ, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये ऐसे हो गया, ये विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये बल मतलब ऊपर की तरफ। तो इस पार्ट पे, कुंडली के इस पार्ट पे, सी डी पार्ट पे बल लगेगा ऊपर की तरफ और ए बी पे लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये मूवेबल है, मतलब रोटेट कर सकती है, तो ये रोटेट कर जाएगी। बात समझ में आई। तो ये रोटेट कर जाएगी, तो जब ये रोटेट करेगी तो ये विभक्त बल, पहले केस में करंट कहां से कहां गया, देख लो भाई, बी वन ब्रश बी वन से आया था, बी वन से एक्स में, एक्स से ए बी सी डी और फिर वाई और फिर बी टू में ऐसे गया था, ठीक है। तो इसके ऊपर बल लगा नीचे की तरफ, इसके ऊपर की तरफ। ये जो दो पार्ट है, मतलब बी सी और ए डी, कुंडली के इन हिस्सों पे कोई बल आरोपित नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तभी बल लगता है। हालांकि 90 डिग्री से कम होगा तभी भी लगेगा, लेकिन अगर उनके बीच में 0 डिग्री का कोण होगा तब बल नहीं लगेगा। अब देखो विद्युत धारा की दिशा इसमें इस साइड है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस साइड है, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण है, तो इस हिस्से पे कोई बल नहीं लगेगा। और ऐसे ही ए डी, इस हिस्से पे और इस हिस्से पे भी कोई बल नहीं लगेगा, ये बात याद रखना। अब जैसे ही ये रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो विभक्त बल है ये वाली, ये पलटकर इस साइड आ जाएगी, और ये जो ए बी है ये उस साइड चला जाएगा। ए डी सी डी ये इस साइड आ गई, मतलब ये जो वाई थी, ये विभक्त बल वाई, ये घूमकर इस साइड आ जाएगी। देखो ये तो मूवेबल नहीं है, बी वन और बी टू तो फिक्स है, लेकिन वाई और एक्स ये रोड के साथ टर्न कर सकते हैं, कुंडली के साथ, तो ये इस साइड आ जाएगी, ठीक। अब सी डी यहां आ गई, सी डी इस साइड और ए बी चलेगी दूसरी साइड आधा घूमने के बाद। अब क्या होगा, अब करंट आएगा बी वन में तो आएगा ही, बी वन से ये डी सी यहां पे आ गई, ये यहां से यहां ऐसे आ गई, तो डी सी आ जाएगी, डी सी बी ए, ए यहां पहुंच जाएगी और फिर बी वन सॉरी वाई भी आएगा यहां पे, बी वन और वाई इस साइड आ गई थी ना वाई, और इधर आ जाएगा ए से एक्स और बी टू, तो ये हो जाएगी किसकी, विद्युत धारा की दिशा। जब ये आधे टर्न के बाद इस साइड आ जाएगी तो ये पार्ट यहाँ आ गया, बी ए उस साइड चला गया। अब भी जब सी डी यहाँ पे आ गया तो यहाँ आने के बाद विद्युत धारा की दिशा तो इसमें ऐसे ही रहेगी, क्योंकि ये जो पार्ट यहाँ आने पर करंट इससे ऐसे ही आएगा, तो ये जो वाई है और ये डी है ये इस साइड घूम के आ गई, तो करंट ऐसे जाएगा किसमें से होता हुआ, बी वन वाई डी सी बी ए ऐसे जाएगा, मतलब डी इस साइड है सी ऐसे, तो उस पे भी बल नीचे की तरफ ही लगेगा, और बी ए इस साइड आ जाएगा तो उस पे बल ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये फिर से उसी दिशा में टर्न कर जाएगा जिस दिशा में पहले घूमती है, ठीक है भाई। मतलब कहने का ये रोटेशन करना शुरू कर देगा, इस पे बार बार बल लगेगा तो ये घूमना शुरू कर देगा, और एक बार कोई चीज अगर घूमना शुरू कर देगी तो हम उसका प्रयोग अलग अलग कार्यों में कर सकते हैं। तो ये इसकी होगी भाई कार्यविधि। अब ये बात याद रखना, देखो ये इसके बीच में से ये विभक्त बल है, ये कटा हुआ है, टूटा हुआ है, तो कोई कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी भी आएगी इसमें कि जब इस
ब्रश के साथ इस विभक्त वलय का संपर्क कट जाएगा क्योंकि बीच में से कटा हुआ, और ये कब आएगा, जब ये कुंडली ऐसे है, ऐसे ये कुंडली ऐसे है, जब ये बिल्कुल कुंडली सीधी हो जाएगी इस प्रकार से सीधी, तो उस समय इसका इसके साथ संपर्क कट जाएगा, तो क्या उस समय इसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। देखो उस समय इसमें कोई भी विद्युत धारा नहीं जाएगी तो इसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन उसका मतलब ये मत समझना कि ये कुंडली रोटेट करना बंद कर देगी, ये रोटेट करना बंद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हम जड़त्व के नियम में पढ़ चुके हैं कि कोई वस्तु अगर चलती है तो वो चलने रहने की कोशिश करेगी, और रुकी हुई है तो रुके रहने की ही कोशिश करती है। तो जब ये इस पे बल लगता है और ये ऐसे टर्न करेगी, तो जब ये विभक्त वलय का कटा हुआ हिस्सा इसके संपर्क में आएगा तो इस पे बल तो नहीं लगेगा, लेकिन जो इस पे पहले से बल लगा हुआ है उसके कारण ये रुकेगी नहीं, मतलब ये चलते रहने की कोशिश करेगी, और जैसे ही चलते रहने की कोशिश करेगी तो ये कटा हुआ हिस्सा ये क्रॉस कर जाएगा और दोबारा से ये वाई इसके संपर्क में आ जाएगी, और फिर से उस पे बल लग जाएगा, फिर दोबारा से कटा हुआ हिस्सा आएगा लेकिन वो रुकती नहीं है क्योंकि उस पे बल लगा हुआ है, तो टर्न कर जाएगी फिर ये संपर्क में आ जाएगी, तो ये घूमती ही रहेगी। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, जो ये कुंडली है इस कुंडली को अधिक अच्छा बनाने के लिए समझ लो, या इस पे अधिक बल लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस कुंडली को एक मुलायम लोहे के टुकड़े के ऊपर लपेट देते हैं, और वो मुलायम लोहे का टुकड़ा भी क्या बन जाता है, एक चुंबक बन जाता है, विद्युत चुंबक। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी मुलायम लोहे के टुकड़े के ऊपर कोई कुंडली को लपेट दे और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित कर दे तो वो लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाता है। तो हमने इस कुंडली को, हम क्या करते हैं इसमें, इस कुंडली को एक लोहे के टुकड़े के ऊपर लपेट देते हैं, उससे क्या होगा, ये तो मैंने एक कुंडली दिखाई है, ऐसी ऐसी बहुत सारी कुंडलियां उसके ऊपर लिपटी होती है। हम पढ़ चुके हैं जैसे जैसे कुंडलियों की संख्या बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, और साथ में जब वो हम लोहे का टुकड़ा रखेंगे इसमें, सॉफ्ट लोहे का टुकड़ा, तो वो भी चुंबक बन जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल हो जाएगा जिसके कारण इस पे अधिक बल लगेगा। अब ये कुंडली और जो इसमें लोहे का टुकड़ा जिसके ऊपर ये लिपटी हुई रहती है, उन दोनों को मिलाकर बोल देते हैं आर्मेचर। ठीक है भाई, याद रखना। तो अगर कोई पूछे कि आर्मेचर का कार्य क्या है, आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर एक लोहे के टुकड़े के ऊपर लिपटी हुई कुंडली से मिलकर आर्मेचर बनता है, और यह है चुंबकीय क्षेत्र को अधिक प्रबल करने के लिए होता है। अब ये जो दो चुंबक है ये परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन कई बार हम परमानेंट मैग्नेट की बजाय यहाँ भी विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विद्युत चुंबक अधिक शक्तिशाली होता है। अब चुंबक अधिक शक्तिशाली होगा तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक शक्तिशाली होगा और वो अधिक बल लगाएगा। तो ये समझ लो कि मोटर की क्षमता बनाने के लिए, पावर को बनाने के लिए कि अधिक कार्य कर सके, हम इनमें विद्युत चुंबक का प्रयोग करेंगे और इसमें कुंडलियों की संख्या बढ़ा देंगे और इसके अंदर एक सॉफ्ट लोहे का टुकड़े का प्रयोग कर लेंगे। तो भाई कुंडली का कार्य देखो, कुंडली का क्या कार्य है, कुंडली वह चीज है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जिसके ऊपर बल आरोपित होता है, या कुंडली वह मोटर का वह भाग है जो रोटेट करता है या जो घूमता है, उसको बोलते हैं कुंडली। कुंडली का कार्य हो गया रोटेट करता है, बल आरोपित जिसके ऊपर होता है वो रोटेट करता है, वो हो गया कुंडली। ब्रश का क्या कार्य है, ब्रश का कार्य हो गया भाई विद्युत धारा की निरंतर सप्लाई बनाए रखने के लिए, कंटीन्यूअस सप्लाई को बनाए रखने के लिए ब्रश होता है B1 और B2। क्यों? क्योंकि ये ब्रश B1 और विभक्त वलय के साथ इसके संपर्क में है, कार्बन ब्रश है ये बिल्कुल इसके साथ सटा हुआ, विभक्त वलय के साथ जैसे ऐसे सटा हुआ है, तो ये जब ये तो घूमता रहता है इस प्रकार से, क्या विभक्त वलय ऐसे घूमता रहेगा और ये फिक्स रहेगा, ये कार्बन ब्रश है तो ये इसके साथ सिर्फ सटा हुआ है ताकि इसमें से करंट इसमें चला जाए, इसलिए अगर ये भी साथ में चल पड़ेगा तो जो ये वायर है ये वायर सारी लिपट जाएगी। ठीक है, इसलिए ये फिक्स है। तो इसका ब्रश का कार्य क्या होगा, विद्युत धारा की निरंतर सप्लाई के लिए, मतलब निरंतर गतिशील बनाए रखने के लिए, संपर्क के लिए होता है क्या ब्रश। विभक्त वलय का क्या कार्य है, विभक्त वलय का कार्य क्या होगा, अभी देखो विभक्त वलय के कारण क्या हुआ, पहला जब ये संपर्क में था तो विद्युत धारा इस प्रकार प्रवाहित हुई, मतलब B1 से X, A, B, C, D, Y और B2 ऐसे हुआ। देखो Y, X और Y बदल रहे हैं,
तो ये पूरी की पूरी बदल गई विद्युत धारा की दिशा। यहाँ ये x की जगह y आ गया तो अंदर विद्युत धारा की दिशा भी बदल गई। यहाँ x था तो विद्युत धारा की दिशा ये थी, y आ गया तो विद्युत धारा की दिशा ये हो गई DCBA। तो ये क्या विभक्त बल क्या करते हैं? विभक्त बल है दिक परिवर्तक का कार्य करते हैं। मतलब देखो कुंडली में विद्युत धारा की दिशा को बदल दिया किसने? इस विभक्त वलय ने। इसलिए विभक्त वलय को बोला जाता है क्या? दिक परिवर्तक। दिक परिवर्तक ठीक है भाई, इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर दिक परिवर्तक जिसने दिशा में परिवर्तन कर दिया, और आर्मेचर मैं बता ही चुका हूं। ठीक है भाई, तो ये थी क्या विद्युत मोटर। ये मोटर जो है इसमें ये बात याद रखना विद्युत धारा की दिशा देखो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई है और एक समान विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है। तो ये जो मोटर है ये है डीसी मोटर, डायरेक्ट करंट वाली विद्युत मोटर है, ये एसी मोटर नहीं है। तो ये डीसी मोटर की मैंने कार्यविधि को आप लोगों को बताया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है, चित्र भी आता है इसका, और कभी सिद्धांत भी आ जाता है, कभी पांच नंबर में प्रश्न आ जाता है कि इसका सिद्धांत बनावट और कार्यविधि बताइए, या फिर अलग से ये प्रश्न आ जाता है कि इसके विभिन्न भागों के कार्य बताइए। ठीक है भाई, तो ये था विद्युत मोटर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।